चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि छह ग्रहों का वक्री होना कैसे आपकी दशा को बदल देता है, और घटनाओं के बारे में आपने जान लिया है कि किन किन घटनाओं की संभावना हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन अब जान लेते हैं कि छह ग्रह जो कि वक्री हो जाते हैं किन किन राशियों के लिए बेहद खतरनाक रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर में आपको बताएंगे भाग्यशाली कुंडली विजेता के बारे में। पिछले हफ्ते जो हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब किसने दिया है और बेहद जल्दी से किसने दिया है वो आपको बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल आचार्य जी से जान लेते हैं कि किन किन राशियों पर ये खतरनाक प्रभाव डालते हैं छह ग्रह जो कि वक्री हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ खास राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव बहुत निगेटिव हो रहा है, बहुत नकारात्मक हो रहा है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इतना खतरनाक है कि आयु को ही क्षीण कर रहा है। अष्टम भाव में चूंकि शनि है, यद्यपि रक्षात्मक रूप बना सकते हैं, लेकिन खास तौर पर मेष वालों के लिए आयु को ही क्षीण कर रहे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जेल, कारावास, वैमनस्य, वैचारिक मतभेद, डिस्प्यूट्स, गाड़ी की दुर्घटना, वाहन दुर्घटना जिसमें प्रॉपर्टी पर आपके कुछ किसी का आक्रमण, कोई उस पर अतिक्रमण कर सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बंपर रूप से अचानक से बदनामी का दंश झेलना पड़ सकता है, बदनाम कर सकता है। मंगल शनि साथ बैठे हैं, आप वायलेंट होकर के अपना आपा खो सकते हैं, किसी पर आप हथियार उठा सकते हैं जिसकी वजह से आप नुकसान में आ सकते हैं। और कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि पर बृहस्पति और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और सप्तम दृष्टि पड़ रही है, कुंभ राशि वालों के लिए भी खतरनाक टाइम चल रहा है। तो ये खास तौर पर चार राशियां हैं जिन पर स्थिति बहुत नकारात्मक है, बचने का उपाय आगे बताएं। बिल्कुल, तो फिलहाल इन छह राशियों के जातक बेहद रहे सावधान और उपाय कौन कौन से करने हैं वो भी कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं लकी अक्षर। जी हाँ, वो अक्षर जो कि आपको बनाते हैं पूरी तरीके से लकी, क्योंकि इनके लिखने और अपने पास रखने मात्र से आपके सभी काम होंगे सफल। तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना लकी अक्षर। चलिए खास अक्षर आप तक पहुंचाते हैं। मेष राशि वालों के लिए है शाक्ष और वृषभ के लिए टा, ये आपके समक्ष नोट करते जाइएगा। मिथुन राशि के लिए है डाक्षर और कर्क के लिए री, ऋषि वाला। सिंह राशि के लिए है चाक्षर और कन्या के लिए फा। तुला राशि के लिए दाक्षर और वृश्चिक के लिए धा। धनु राशि के लिए खाक्षर, मकर के लिए छा, छतरी वाला। कुंभ राशि के लिए डाक्षर और मीन के लिए ला। जल्दी से एक बार और बता देते हैं, मेष शाक्षर वृषभटा, मिथुन डाक्षर, कर्क री ऋषि वाला, ये आगे आपके समक्ष देखिए। सिंह राशि चाक्षर है और कन्या के लिए फा, आपके समक्ष आता जा रहा है। तुला राशि के लिए दाक्षर और वृश्चिक के लिए धा, ये आया। धनु राशि खाक्षर, मकर छा, कुंभ राशि डाक्षर और मीन के लिए ला। चले मस्त रहे, अब तो मिल गया आपको जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो चलिए कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। अंजू जुड़ गई है मुजफ्फरनगर से। अंजू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम जी। नमस्कार, जय श्री राधे। अंजू जी, अपने भाई के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1998। थोड़ा तेज बोलिए आप। 10 जनवरी 1998 जी। 12:50 दोपहर का, दिन शनिवार। कहाँ का जन्म है? मुजफ्फरनगर। जी सर, मेरे तीन सवाल हैं। एक तो एक क्रिकेटर बनना चाहता है और ये ना गुस्सा बहुत करता है, पापा से इसके काफी मतलब मतभेद रहते हैं और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा। जी देखिए, खेल कूद में बढ़ सकते हैं ये, चंद्रमा से 4-5 ग्रह हैं सताष्टक योग बना रहे हैं जो कि खिलाड़ी बनने के लिए बेहद अनिवार्य होते हैं। पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा और ये तो खैर बेटा है, अबोध है, अभी नादान है, लेकिन पिताजी आपके क्यों नादानी कर जाते हैं? इसकी कुंडली कम्प्लीटली बता रही कि दोष आपके पिता में भी है। बच्चों के साथ अच्छा बनना पड़ता है, बच्चों की मनोविज्ञान को समझना पड़ता है। थोड़ा एग्रेसिव है भाई आपका, मंगल उच्च का है इसका,
लग्नेश होकर के, लेकिन पिता से शालीनता की उम्मीद हम कर सकते हैं। अपने पिता से कहिएगा गायत्री मंत्र का खूब जाप करें, जिससे उनके अंदर भी सद्भाव और सद्बुद्धि आए। राहु की महादशा बच्चे की चल रही है, इसको घर से दूर भेजिए, घर से दूर इनका भाग्योदय होगा। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखेगा अंजू जी। अब जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल, तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। जी, मेष वालों के लिए आज नए मित्र मिल रहे हैं, स्वागत करिए उनको, गले लगाइए, सोच समझ कर बोलिए। शुभ रंग आज के दिन गुलाबी, भाग्य साथ दे रहा है 69%। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ेगा, सेहत का ध्यान रखें, सफेद रंग की शुभता रहेगी और 52% का भाग्य साथ देगा। मिथुन, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, अपनों का साथ मिल रहा है, हरा रंग शुभ है, 68% का भाग्य। कर्क राशि, प्रॉपर्टी का प्रबल योग है, धन की वृद्धि होगी, सफेद रंग शुभ होगा, 52% का भाग्य आपके साथ। सिंह, कला के प्रति रुचि बढ़ रही है, वाणी पर नियंत्रण रखें, पीला रंग शुभ रहेगा, 78% का भाग्य साथ दे रहा है। और कन्या राशि, सोच समझ कर ही आपको निर्णय लेना है, अधूरे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, पीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ। बिल्कुल, तो चलिए आपने कन्या तक का राशिफल जान लिया है, बाकी 6 राशियों के बारे में भी राशिफल आपका बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयविंद्र जुड़ गए हैं दिल्ली से। जयविंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम, भैया आशीर्वाद, श्री राधे। गुरु जी, मैंने आपको 1 महीना पहले कॉल किया था, अपने काम धंधे के बारे में पता किया था। अच्छा, आपने बताया था कि दुकान कर सकते हैं, मैंने परसों की दुकान के बारे में आपसे पूछा था, अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी कोई है नहीं। हाँ। आपने बताया था कि आप दुकान कर सकते हो, लेकिन दुकान हो उत्तरमुखी दुकान बताया था आपने। अच्छा, अब गुरु जी उत्तरमुखी दुकान कहीं आसपास में मिल नहीं रही है, तो क्या करें, कोई और दूसरा ऑप्शन है? नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन या घर से दूर कितनी दूर, या वही उत्तरमुखी दुकान ही चल पाएगी? तो उत्तरमुखी कुबेर की दिशा होती है, बुध और शुक्र का प्रभाव होता है उत्तर दिशा में, आर्थिक रूप से समृद्धि अगर चाहिए उत्तरमुखी दुकान आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। जा अक्षर से आपका नाम है, जो कि मकर राशि है, शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होते हैं, जिस भी लिहाज से हमने उसमें बताया था। देखिए, विकल्प ना पूछा करिए, विकल्प पूछेंगे तब हम फिर उसमें हो सकता है कहेंगे। सटीक अगर हथौड़े की तरह अगर चाहिए आपको, तो जो बोल दिया उसको कंसीडर करिए, कदम बढ़ाइए, शुभकामनाएं। चलिए एक और कॉलम हमारे साथ जुड़ गई है, रीमा जुड़ गई है बिहार के नालंदा से। रीमा जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। रीमा जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। जरूर। मेरा जन्म तारीख है 29/10/1977। हाँ। मेरा 2 क्वेश्चन है। समय बताइए, जन्म समय। समय है 8:30 सुबह। कहाँ का जन्म है? शेखपुरा जिला, बरबीघा। जिला कौन सा? शेखपुरा जिला। शेखपुरा जी। हाँ। हेलो, प्रश्न करिए आप, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। गुरु जी, मेरा अपना घर कब तक होगा? चलिए, वृश्चिक लग्न आपका है, कार्तिक कृष्ण द्वितीया का जन्म, कृतिका नक्षत्र है, अपने मकान के विषय में प्रश्न है, आपके ही नाम से मकान होगा, लेकिन लगभग 45-50 वर्ष के आसपास में जा रहा है, संकेत अभी इधर आपके नाम से विलंब से दिखाई दे रहे हैं, अपने पति के नाम से लेंगी जल्दी मिल जाएगा, सप्तम भाव में चूंकि चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं उच्च के, पति के नाम से ही लेने का प्रयास करिए, शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ निवेदन करेंगे अपने 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 सभी दर्शकों से कि जब भी आप हमें कॉल मिलाए तो अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पाए। तो फिलहाल आचार्य जी ने बताया कुछ देर पहले कि किन किन राशियों के लिए बेहद खतरनाक होती है ये 6 ग्रह जो कि वक्री हो जाते हैं, लेकिन वो खास उपाय, वो महा उपाय जिसके जरिए आप अपने सभी कामों को पूरी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, कौन कौन से वो उपाय होंगे, महा उपाय होंगे जो कि घर बैठे कर सकते हैं तमाम लोग? बिल्कुल, देखिए इन 6 वक्री ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए, इनके दोषों को खत्म करने के लिए एक उपाय है और उसे ही हम महा उपाय कहें। चलते हैं बृहस्पति की शरण, वही करेंगे जो करना है। एक केले का पत्ता ले लीजिए, हल्दी और कच्चे दूध से उस पत्ते पर 7 बार स्वास्तिक बनाइए, अपने सामने रख लीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। मंत्र जपें पूरी तरह से,
अब इस पत्ते को 11 दिनों के लिए अपने घर के ईशान कोण में टांग दीजिए। मात्र उस पे 7 स्वास्तिक बनाया है। ईशान कोण में टांगने के बाद प्रत्येक दिन हर रोज धूप बत्ती और दीपक उसको जरूर दिखाइए। प्रभु से प्रार्थना करिए, हे वक्री ग्रहों अब हमें बख्शो। अशुभता से आपकी रक्षा होगी, वक्रत्व से आप मार्गत्व की तरफ बढ़ेंगे और जितनी भी निगेटिविटी इन ग्रहों की वजह से हो रही थी हर तरह से आप शांत रहेंगे। बिल्कुल, तो सभी तरीके की नेगेटिविटी के लिए खास उपाय जरूर कीजिएगा। और फिलहाल एक और मेल का जिक्र कर लेते हैं आचार्य जी। जी, नाम है राहुल जैन, समय बताया गया है 10:15 शाम का, रात का माफ कीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1991 और जन्मस्थान है, फिर से बताइए, 10:15 रात का। कहाँ का जन्म है? जन्म है शेवगांव अहमदनगर। जी, इनका प्रश्न ये है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मैं बिजनेस करूं, मेरी प्रॉब्लम का हल बताइए। राहुल जी, देखिए कर्क लग्न आपका है और तुला राशि में आपके मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं, दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी, गवर्नमेंट जॉब आपको कंफर्म मिल चुकी है, समझ लीजिए। मस्त रहें, मिठाई आज बांट सकते हैं। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है जिसमें शनि द्वारा शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। सरकारी नौकरी के बाद आप अपना व्यापार भी करेंगे। राहुल, कुंडली के पूर्ण फल को पाने के लिए सात्विक रहिएगा, नमक का सेवन कम करिएगा और जितना हो सके हरे वृक्ष जरूर लगाइएगा। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने अपना उपाय सुन लिया होगा और करेंगे भी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज दोपहर 2:30 के कार्यक्रम में बात करेंगे आपके किचन के बारे में कि किस दिशा में आपकी किचन बनी है। अगर आपने नहीं सोचा बनवाते वक्त, तो अब हम आपको बताएंगे कि किन किन उपायों के जरिए आप अपने किचन दोष को दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं। मेरे पास मूजोज है यार, तू तो हीरो है यार। हीरो मैं नहीं, ये अब हर रसना फ्रूट पान 32 ग्लास पैक के साथ पान मूजोज फ्री, स्टार्ट कलेक्टिंग टुडे। आई लव यू रसना। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फंड सिर्फ लाइव इंडिया पर। चलिए ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं किचन पिटारे के बारे में। जी हाँ, वो खास नुस्खा, वो खास उपाय जो कि हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके किचन से। लेकिन आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं, अगर ये आप या आपका बच्चा किसी भी विषय में कमजोर है, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या कीजिएगा वो नोट कीजिए। यह बचपना या अज्ञानता कह लीजिए कि जिस विषय में वीक होते हैं हम सब, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक था। अब हम आपको बताते हैं कि अगर एक खास विषय में आपका बच्चा या आप कमजोर हैं, उस विषय से जी चुराते हैं, भागते हैं, तो एक खास सामग्री इसके अंदर है जो उस विषय की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ा देगा। सामान है इसके अंदर आपकी रसोई का ही सामान, काला तिल। काले तिल का प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसके विषय में, काले तिल को अंग्रेजी में ब्लैक सेसेम सीड्स कहा जाता है। हड्डियां मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है इसको, और एकमात्र ग्रह शनि के साथ इसका संबंध है। शनि स्लो कर देता है, इसी का संबंध अगर किसी खास ग्रह से हो जाए
तो एक विषय में आप वीक रहेंगे। चलिए अब उपाय नोट करिए। एक कटोरी में एक कागज पर कमजोर विषय को लिख करके इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित जो भी है लिख करके रख दीजिए। अब उस पर ऊपर से काले तिल 7 चुटकी डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 3 टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े कपूर के डाल दीजिए। तर्जनी उंगली से 11 बार दक्षिणावर्त चला दीजिए। चलाने के बाद कटोरी को लेके जाइए पीपल के नीचे और उसमें आग लगा दीजिए, जला दीजिए। सामग्री जल जाए तो वहीं गिरा दीजिएगा, कटोरी लेके वापस आइएगा। अक्सर आप सब कटोरी भी छोड़ आते हैं, ऐसे में तो बहुत सारी कटोरियां आपके घर से निकल जाएंगी। कटोरी कहीं पर किसी भी समय किसी उपाय में छोड़ने की सलाह हम नहीं देते हैं। सामग्री गिरानी है, कटोरी वापस ले आइए, धुलिए, उपयोग करिए। एक बार करिए, दो बार करिए, जल्दी ही असर दिखेगा और कमजोर विषय तेजी से आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए किचन पिटारा आपने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं भाग्यशाली कुंडली विजेता के बारे में। जी हाँ, हर सप्ताह की शुरुआत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका रिजल्ट भी हम हर सप्ताह के शुरुआत में ही बताते हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि बाल के कारक ग्रह का नाम बताइए, जिसका उत्तर था गुरु और सही उत्तर दिया है आदित्य कुमार ने दिल्ली से। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूछना चाहते हैं वो आचार्य जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी आदित्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और बहुत बहुत बधाई आपको। प्रणाम पंडित जी। बहुत आशीर्वाद भैया, श्री राधे। पंडित जी, ये बहुत ज्यादा बीमार रहता है और इसके जिद्दी भी बहुत है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। आप खुश नहीं है क्या कुंडली के भाग्यशाली विजेता बनकर? जी बहुत खुश है। एक बार भी नहीं कहा कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप सीधे अपने क्वेश्चन पे आ गए। चलिए भैया, आपके बच्चे की कुंडली हमारे सामने है, बीमार अभी ये और रहेंगे और डिटेल जो आपने दिया था 11 अक्टूबर 2012 12:37 दिल्ली का जन्म है। धनु लग्न इनका है, मंगल राहु एक साथ बैठे हैं और चंद्रमा अष्टम भाव में है। आने वाले 5 वर्ष अभी और आयु संकट है, मैं छुपाऊंगा नहीं आपको, बच्चा छोटा है, आयु संकट है। कुंडली का सम्यक विश्लेषण करवाइए, उपाय हम बता रहे हैं, मृत संजीवनी अनुष्ठान बेहद अनिवार्य है और बच्चे को लेकर के इनकी माँ शिवालय जाएं, शिव मंदिर में जाएं और कच्चा दूध इनके सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के शिवलिंग पे चढ़ा दें। घर में, परिवार में, खानदान तक में मांस नहीं आना चाहिए, मांस भक्षण बिल्कुल तौबा करिएगा, अन्यथा पाप बढ़ेगा, पुण्य और ज्यादा क्षीण होगा। फिलहाल 4 उपाय लिख करके अपने हाथों से हम भेजेंगे और एक बार कुंडली ढंग से दिखा लीजिएगा। तो ये थे पिछले सप्ताह के भाग्यशाली विजेता, लेकिन इस हफ्ते का सवाल क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। इस हफ्ते का सवाल ये है कि कौन सा ग्रह नहीं होता है वक्री, और आज ही हम डिस्कस कर रहे हैं 6 ग्रहों के बारे में जो कि वक्री होते हैं। हाँ। यानी कि कुछ हद तक तो हिंट दर्शकों को मिल गई होगी। ऑप्शन आपको बता देते हैं, ए ऑप्शन है मंगल, बी है चंद्रमा और सी है केतु। सही जवाब आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है और अगले हफ्ते की शुरुआत में ही आपको रिजल्ट भी बता देंगे। तो फिलहाल आपने जान लिया किचन पिटारे के बारे में, भाग्यशाली कुंडली विजेता के बारे में, अब जान लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। बिल्कुल, इसके बाद बताएंगे कि पवित्र स्नान में कल क्या डालकर नहाना है पानी में। तुला राशि वालों के लिए आज वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए संभव है। अच्छा, विवाद से बचिएगा आज के दिन, गुलाबी रंग शुभ है, 70% का भाग्य। वृश्चिक, झूठ नहीं बोलना है, शादी का योग है, गोल्डन रंग की शुभता रहेगी, 69% का भाग्य। धनु राशि, प्रमोशन के संकेत आज है, यात्रा पर जा सकते हैं, नीला रंग शुभ रहेगा, 63% का भाग्य। मकर, मकर राशि वाले बच्चे खासतौर पर आज पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फोकस करिए, लापरवाही से बचें, पीला रंग शुभ है, 70% का भाग्य आपके सानिध्य में है। और कुंभ राशि, अपनों का खूब साथ संगत मिलेगा, धन लाभ का योग है, हरा रंग शुभ रहेगा, 68% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और मीन, भाग्य आज आपके साथ हर कदम पर कदम चाल दिखाएगा, पिता का सम्मान करें, नारंगी रंग शुभ होगा, 71% का भाग्य साथ देगा। बिल्कुल, तो चलिए आपने सभी राशियों का राशिफल जान लिया है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस विधि के साथ आपको कल सुबह पवित्र स्नान करना है, लेकिन जाते जाते जरूर देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की झलक।
10,000. You can't be serious. 10,000? It's unbelievable. 10,000. 10,000. Now that's a record. You should try breaking. 10,000 Tata Primas on the road. Tata Prima. The way the world trucks. खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं वो विधि जिसके जरिए आपको कल सुबह का स्नान करना है ताकि घर बैठे आप सिंहस्थ महाकुंभ का लाभ उठा सके। बिल्कुल, कल जब आप स्नान करें प्रातःकाल उठ करके, तो कल के दिन 3 पीपल के पत्ते जल में डाल दीजिए। जल को छूकर प्रणाम करिएगा, मथवान कहते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद स्नान कर लीजिएगा। ये कल का उपाय रहेगा जिससे आप पूरी तरह से पवित्रता को अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर सकते। तो चलिए, आपने नोट कर लिया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, लता जुड़ गई है नंदूरबाद से। लता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, चरण पर जय श्री राधे, बहुत आशीर्वाद। पंडित जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। जी हमें भी बहुत खुशी हो रही लता जी। जी किसके बारे में पूछना है लता जी आपको? जी लता जी, बिल्कुल। तो चलिए, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आ रही है, लेकिन आप अपने मेल्स के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी प्रोग्राम की आईडी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है और आप हमें मेल्स कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सुरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार, मैं सुदर्शन बात कर रहा हूँ। सुदर्शन जी, जी राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे सुदर्शन जी। अब पहले तो मैं बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 27 अक्टूबर 1995 जी। समय शाम के 4:35। सुबह शाम की? शाम के 4:35। अच्छा, कहाँ का जन्म है? मुजफ्फरनगर। बताइए प्रश्न क्या है। ये किस उसमें आगे बढ़ पाएगा? ये बिल्कुल मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटाता है और गुस्सा बहुत करता है। मदर के साथ बिल्कुल नहीं बन पाती इसकी। जी देखिए, इनका इन कुंडली मीन लग्न की है इनकी, और बुध उच्च का है। व्यापार ही करेंगे, व्यापार के द्वारा ही इनके जीवन में भाग्योदय है। और राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं तुला राशि में। तुला राशि का सूर्य बेहद अशुभ होता है, जहां राहु साथ में पितृ ऋण की प्रबलता दे रहा है। शुक्र की महादशा 2030 तक है। शादी भी इनकी शादियां हैं, मतलब शादी ही शादियां हैं। चंद्रमा मंगल साथ है, चंद्रमा के निमित्त पूर्णिमा का व्रत इनकी मां कर ले, निभने लग जाएगी। और गुस्सा अगर ज्यादा है तो नमक का दान करवा दीजिएगा, फायदा दिख जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए सुदर्शन जी, ये उपाय कीजिएगा अपने बेटे के लिए। तो फिलहाल आपने जान लिया कि कौन से वो ऐसे ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो किस तरीके की घटनाओं के सामने आने की संभावना होती है। लेकिन आचार्य जी, कल सुबह 8 बजे कौन कौन से राज खोलेंगे हम? देखिए, चल कल हम बताएंगे, चाहे आपके अंगूठे में एक 6 उंगली आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं पर भी, या पांव में आपके आ जाए, 6 उंगली अगर है, आपकी है या आपके किसी नोन की है, आपके सामने अचानक कोई आता है, उसके हाथ में आप 6 उंगली देखते हैं,
तब ऐसी स्थिति में कुछ रहस्य हम आपको बताएंगे। क्या है वो रहस्य कल पता चलेगा, इंतजार करिएगा। बिल्कुल, कल सुबह 8 बजे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक जरूर देखिए। नमस्कार।